Yes, good morning everyone. Welcome to the class. We will continue the same chapter, bipolarity, from book 1. First of all, recapitulation. Bipolarity ends and unipolarity begins. This we have done. Now two countries, Soviet Union and US, dono ki fight khatam ho gayi. USSR means Russia. Ban gaya tha USSR, Russia ban gaya tha. And SU हार गया था और अमेरिका विनर. Then when USSR changed into Russia, ठीक है. अच्छा वैसे आज मैं कर रही हूँ रिकैपिटुलेशन, आइंदा आप करा करोगे, जो मैंने पढ़ाया आप बताया करोगे, ठीक है. अच्छा फिर इसमें हमने पढ़ा था कि सोवियत यूनियन टूट गया था. In spite of efforts and reforms by Mikhail Gorbachev, Soviet Union फिर भी टूट गया. Some of the people are saying that Mikhail Gorbachev's reforms were in fast speed. Others were saying it is with the low speed. So authority government कुछ ठीक नहीं थी. ठीक है, उसके बाद bureaucracy थी. Officers जो थे वो खुद ही corrupt हो गए थे. And दूसरी बात ये हमने पढ़ी थी कि people were doing comparison with America. अब वो भी लिबर्टी चाहते थे, उन्होंने अमेरिका को देख लिया था, वो अमेरिका जैसा कैपिटलिज्म चाहते थे. चलो बट एक्सपेरिमेंट ये भी फेल हो गया था. उसके बाद हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी मीन्स व्हेन कम्युनिज्म्स आइडियोलॉजी वर ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटलिज्म, दैट वाज शॉक थेरेपी. उसको शॉक थेरेपी कहते हैं. ट्रांजिशन वर्ड, ट्रांजिशन का मैंने आपको मीनिंग लिखवाया था बुक पे, चेंज. अच्छा देन वी हैव डन फीचर्स ऑफ यूएसएसआर. इवन दिस यू हैव रिटन इन कॉपी आल्सो, नोट्स दिए थे मैंने आपको. देन फाइनली व्हाट हैपेंड के कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, इसका इफेक्ट क्या हुआ. बहुत बुरा इफेक्ट हुआ था. 5-6 पॉइंट हमने करे थे. रशिया का बुरा हाल हो गया था. सुखमन वाइंड अप कर दे, इसका इफेक्ट क्या हुआ था. हेडिंग बोल दे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है. 5 हेडिंग्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी. तेरी लिप रीडिंग पड़ गई थी मैम, अनम्यूट कर दो. मैम करप्शन हुई थी और जो रूबल वैल्यू गिर गई थी, पॉवर्टी हुई थी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो 10 साल के लिए बर्बाद हो गया, 10 साल से भी ज्यादा से ज्यादा बर्बाद हो गया था. सब्सिडीज की वजह थी जो वो गरीब बन गए थे. माफिया डॉन्स भी पैदा हो गए थे और डिस्पेरिटीज हो गई थी. फिर एरिया जो थे रिच के और पुअर के सेपरेट हो गए थे. जो रिच थे वो सेपरेट हो गए और जो पुअर थे वो पुअर हो गए. और जो डिमांड्स थी जिनकी वो मतलब खड़े नहीं उतर पाए उनपे. और जो जल्दी जब उन्होंने जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो सही नहीं बना था. और जो एरिया जो ज्यादा अथॉरिटीज थी उनको ज्यादा दे दी, जिनको कम थी उनको पूरी कम दे दी थी. और किसी की भी बात नहीं सुनी थी और कंट्रोल भी नहीं था. चलो ठीक है, याद भी रखना पड़ा, बट देख देख के मुझे सुना दिया है, याद भी रखना है, ठीक है. पर जो चीज लिखी है ना अपने हाथ से वो हम याद भी कर लेंगे, ठीक है. चलो थैंक यू वेरी मच. अब ये था बहुत बुरा हाल हो गया था, इसका इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ा था. तन्वी तूने एक चीज पढ़ी थी उस दिन, डे बिफोर यस्टरडे सैटरडे को, पेज नंबर 26 पे आना. मुझे याद है शायद रिया थी के तन्वी तू ही थी. तन्वी यू हैव अटेंडेड सैटरडेज क्लास. Yes, ma'am. हाँ, तो you have read from page number 26. Yes, ma'am. तूने रशिया को bankrupt करा था. मैम यहाँ पे जो corner में लिखा है as a result of shock therapy वो. हाँ, तो मैं तो तेरा ही नाम लगाऊंगी. तूने ही रशिया को bankrupt करा था बेचारे को. अब आज फिर बता दे, सुखमन ने ये वाला point इतना elaborate नहीं करा. तू मुझे बता दे रशिया बेचारा bankrupt कैसे हो गया था. You can also take help from book. You can also take help from book from this picture also.
तूने तो पढ़ा था बिकॉज ऑफ द शॉक थेरेपी. हाँ फिर ऐसे नहीं, भूलना नहीं है. जब आप एक बार पढ़ लेते हो फिर भूलना नहीं है. कोई भी कंट्री बैंकरप्ट कैसे होता है? जिसके बैंक खाली हो जाते हैं वो बैंकरप्ट हो जाता है, वो कंगाल हो जाता है. फिर मैंने आपको अपना 500 रुपीस नोट दिखाया था. मैंने कहा था वहां पे लिखा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अरमान रोमन कैमरा ऑन बेटा. ठीक है, रशिया का भी ऐसा ही हाल हुआ था. आप बताओ क्या हुआ था रशिया में? The value of ruble declined. ठीक है. और थोड़ा बैंक बताना, मुझे बैंक का सुनना है. बैंक का क्या हाल हुआ था? हाँ जी ईशा, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम जो गवर्नमेंट की चीजें थी वो प्राइवेट हैंड्स में चली गई थी. ठीक है. और जो रशिया का जो सेकंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक था वो बैंकरप्ट हो गया था 1998 में. और ये इसकी जो सभी जो प्लेसेस थी, जैसे गवर्नमेंट के अंडर थी जो प्लेसेस, वो सभी प्राइवेट हैंड्स में चली गई थी. यही है मैम. ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच. चलो ऐसे मिलजुल के आप लोग आंसर दे देते हो, है ना. रोमन बेटा कैमरा ऑन करो. चलो मुस्कान कंटिन्यू बेटा. टेंशन्स एंड टेंशन्स एंड टेंशन्स. लोअर हैंड ईशा. चलो भाई, रशिया का बहुत बुरा हाल हो गया, पर रशिया को एक चीज ने बचा भी लिया था, है ना. ज्यादा बर्बाद नहीं हुआ था रशिया. एक चीज ने रशिया को बचाया भी था मुस्कान. वो क्या चीज थी? डूबते को तिनके का सहारा. वो क्या चीज थी? ऑयल रिसोर्सेस ने बचाया था. जो ऑयल रिसोर्सेस की पाइपलाइन थी ना, वो कुछ रशिया के कुछ एरियाज में आती थी, तो उनको फिर उनसे रेंट मिलता था. उसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई थी और इंडिया भी उसके साथ हो गया था. रशिया के साथ इंडो रशियन उन्होंने एक मूवमेंट बना ली थी, तो उसके साथ भी उसको रशिया का बहुत ज्यादा फायदा हुआ था. हाँ, थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई थी, तो रशिया बेचारा गिरते गिरते संभल गया था. ठीक है, चलो अब पढ़ो. टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके पॉइंट्स करने हैं, पर पहले मैं सारा आपको क्लियर करवाऊंगी, समझाऊंगी, देन वी विल मूव फर्दर टू मेक पॉइंट्स. नहीं तो सारी कंसंट्रेशन हेडिंग अंडरलाइन में लग जाती है आपकी. मुस्कान पढ़ेगी एंड आई विल एक्सप्लेन यू. टेक अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड. जहां से समझ नहीं आएगी यू कैन रेज हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड एक्सप्लेन वंस वन मोर टाइम. ठीक है, चलो मुस्कान शुरू करो बेटा. टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. Tensions and conflicts. Most of the former Soviet republics are prone to conflicts, and many have led civil wars and insurgences. Complicating the picture is the growing involvement of the outside powers. Yes, badi complicated line hai. Ek hi line mein kitna kuch muskaan ne pad diya. Koi baat nahi, hum isko tod tod ke half half karke bhi likh sakte hain line ko. Bas line clear honi chahiye. Hum apni wording mein bhi likh sakte hain. Sabse pehle yahan par maine likha insurgency. Insurgency word will again and again come in your this chapter. Write down the meaning of insurgency. Insurgency means rebel karna, revolt karna. Write down the meaning of insurgency. Rebel karna. Now Muskan ne kaafi kuch pad diya ki most of the former Soviet republics are prone to conflict. Soviet Union toot chuka tha, khatam ho chuka tha, to Soviet Union mein hi sabse zyada jhagde hue the. ठीक है, many have had civil war. आपस में सिविल वॉर होती रही, एक एरिया के लोग आपस में ही लड़ते रहे. एंड इंसर्जेंसीज, और रिबेल होता रहा. बड़ा बुरा हाल हो गया सोवियत यूनियन का. कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर. आपको पता, जब हम आपस में लड़ते हैं ना, जब हम आपस में फैमिली वाले लड़ते हैं ना, फैमिली की बात कर रही हूँ, दो भाई या तीन भाई आपस में लड़ते हैं ना, तो बाहर वाला इसका फायदा जरूर उठाता है. जब आपस में दो फ्रेंड्स लड़ते हैं ना, इश्यू सॉल्व नहीं कर पाते, आपस में वापस दोस्ती नहीं, पैचअप नहीं होता, तो तीसरा जरूर उनका फायदा उठाता है. एम आई राइट? शो मी थम्स अप इफ आई एम राइट. अगर आप मानते हो तो यस, ऐसा ही होता है. तो जो इश्यूज है ना, वो अपने आप सॉल्व कर लेनी चाहिए. सोवियत यूनियन टूट गया, कोई लीडर था नहीं इसका. ठीक है, अब सोवियत यूनियन में सिविल वॉर हो गई. जो अंदर के एरियाज थे ना, आपस में ही लड़ते रहे, कॉन्फ्लिक्ट होते रहे.
टेंशन और बढ़ गई, अच्छी गवर्नमेंट थी नहीं। तो फिर लास्ट लाइन मुस्कान ने पढ़ी, कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर, पिक्चर को और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर, और फिर आउटसाइड पावर आए। आपको तो वर्ल्ड वॉर कैसे लगी थी, वर्ल्ड वॉर भी ऐसी लगी थी, जब चार पांच कंट्री आपस में लड़ते रहते हैं ना, इश्यू सॉल्व नहीं होता, तो वो चार पांच कंट्री क्या करते हैं, दो और पांच की हेल्प मांगते हैं, दो और पांच की हेल्प मांगते हैं, दस कंट्री इधर, दस कंट्री इधर, और फिर वर्ल्ड वॉर लग जाती है, और फिर नुकसान सारी दुनिया का होता। ऐसा ही यहाँ पर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा हो गए, टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो फिर दूसरी पावर ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अगर हम आपस में, अब मुझमें और मुस्कान में झगड़ा हो जाए, नहीं मुस्कान में, मुझमें और मुस्कान में क्यों झगड़ा होगी, तो साल शुरू हुआ है ना, मुस्कान का किसी और से झगड़ा हो जाए, ठीक है, एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन पंद्रह दिन एक महीना बीता, दोनों का आपस में झगड़ा नहीं रिजॉल्व हुआ, देन थर्ड पर्सन विल इन्वॉल्व। अच्छा हुआ तो बचा लेगा दोनों को, अच्छा नहीं हुआ तो दोनों की दोस्ती और बिगड़ जाएगी और फाइट बढ़ जाएगी। ऐसे ही फ्रेंडशिप में होता है, ऐसे ही बॉयज में होता है। तो यही काम यहाँ पर हुआ, यही काम फैमिली में होता है। अगर अपने घर के झगड़े नहीं सुलझाए तो तीसरा इंटरफेयर करता है और पिक्चर सीन और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। नाउ दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑनली, अभी शुरू होता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ। हाँ जी मुस्कान कंटिन्यू बता। In Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movements. Moscow's method of dealing with the Chechen rebels and indiscriminate military bombings have led to many human rights violations, but failed to deter any aspirations of independence. अब सबसे पहले शुरुआत हुई चेचेनिया और दागिस्तान, दो कंट्रीज के नाम है, आपके लिए डिफरेंट है, आपके लिए नए नाम है, आज याद कर लो। रशिया में क्या हुआ, दो रिपब्लिक्स थे, निर्वाणमा कांसर, चेचेनिया और दागिस्तान, इनमें आपस में झगड़ा हो गया, वायलेंट हो गया, लोग मार धाड़ पे उतर आए। मास्को का जो तरीका था डीलिंग विद चेचेनिया रिबेल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग, मास्को ने चेचेनिया और दागिस्तान के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करा और उनको डिस्क्रिमिनेट करा, लोग और ज्यादा भड़क गए, हालात और ज्यादा खराब हो गए, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे। अब जब वायलेशन होगा, देखो जब देश में कंफ्लिक्ट होते हैं ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो जाते हैं, आपने ग्रेड 11 में पढ़ा, फंडामेंटल राइट है ना आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट जब ग्रेड 11 में जब आप पढ़ रहे थे, मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाती थी, 144 लग गया था, उसका मतलब ये आप कर्फ्यू लग गया है और आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब हमारा राइट नहीं था। अब देश में कर्फ्यू लगा है तो आप कैसे अपनी फ्रीडम, आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कैसे स्पीच दे सकते हो जहां तहां कहीं भी खड़े होकर, है ना। तो जब यहाँ पर ऐसा हुआ चेचनिया और दागिस्तान में ऐसा हुआ, ह्यूमन राइट्स खत्म हुए, सरकार ने वायलेशन कर दिया उसका। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट यू विल डू। हाँ जी मुस्कान कंटिन्यू बता। In Central Asia, Tajikistan witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001. The region as a whole has many sectarian conflicts. In Azerbaijan's province of Nagorno-Karabakh, some local Armenians want to secede and join America. Wait. काफी ज़्यादा नए नाम आ गए हैं, आज थोड़ा ही पढ़ेंगे ताकि ये revise कर लो। Central Asia वो रशिया की बात थी। सेंट्रल एशिया में क्या हुआ, कजाकिस्तान विटनेस अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन 10 इयर्स टिल 2001, 2001 तक 10 साल तक सिविल वॉर चलती रही। ये चीज सेंट्रल एशिया में थी, सेंट्रल एशिया तो वैसे ही बड़े कंट्रीज के साथ जाने नहीं चाहता था। द रीजन एज अ होल हैज मेनी सेक्रेटेरियल कॉन्फ्लिक्ट, और भी झगड़े हुए। अब कंट्रीज के नाम है, अजरबैजान प्रोविंस इज नेग्रोनो एंड कारबाक, सम लोकल आर्मेनियंस, आर्मेनिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री, went to Sikkim and joined Armenia. कुछ लोग वहां से निकलकर अर्मेनिया चले गए। लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जैसे मान लो कि पंजाब में बहुत दंगे फसाद बढ़ जाए तो लोग पंजाब छोड़कर दिल्ली चले जाए, ऐसा हुआ, लोग काफी ज्यादा वो एरिया छोड़कर अर्मेनिया चले गए। आगे चलो जॉर्जिया में क्या हुआ मुस्कान। In Georgia, the demand for independence has come from two provinces, resulting in a civil war. चलो अब जॉर्जिया में पड़ गया, क्योंकि जॉर्जिया में भी लोग इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, लोग आपस में लड़ पड़े और काम जॉर्जिया में भी खराब हो गया, रशिया में भी उधर खराब हुआ। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हो हेडिंग रशिया, सेकंड पॉइंट मुस्कान ने पढ़ा सेंट्रल एशिया, अभी इसने पढ़ा जॉर्जिया, मतलब सब जगह पर काम टेंशन ही टेंशन है। हाँ जी मुस्कान।
there are movements against the existing regimes in Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia. हाँ जी, जॉर्जिया में, किर्गिस्तान और यूक्रेन, तीन एरियाज और थे जहां पर और ज्यादा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट हो गई. आपको पता है अभी भी टेंशन चल रही है. अभी अभी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज में सुना कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज़्बेकिस्तान, तीनों में मतलब बर्बाद ही कर दिया उन्होंने कंट्रीज, तीनों को तो बर्बाद ही कर दिया मिलिटेंट ने, उग्रवादियों ने. ठीक है, तो तभी भी यही हाल था. हाँ मुस्कान, आगे चलो. Countries and provinces are fighting over river waters. All this has led to instability, making life difficult for the ordinary citizen. चलो, अब पानी को लेकर झगड़ा हो गया. कोई रिवर वहां से निकलती थी, बाकी कंट्रीज के लोगों ने बोला कि यहाँ पर ये रिवर का पानी आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो पानी को लेकर झगड़ा चल पड़ा. लास्ट बात और खराब हो गई, डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी पीपल. आपस में सिविल वॉर होगी, लोग लड़ने लग पड़े और ऑर्डिनरी पीपल का बुरा हाल. दे डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ कंट्री, दे डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट. ये पूरी की पूरी टेंशन वाले पॉइंट्स आपने लर्न कर लिए. चलो एक पॉइंट और पढ़ दो. सेंट्रल एशिया में क्या The Central Asian republics are areas with vast hydrocarbon resources which have brought them economic benefit. Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies. The region is next to Russia, China, Afghanistan, Pakistan and close to West Asia. After 11 September 2001, the US wanted military bases in the region and paid the government of all Central Asian states to hire bases and allow airplanes to fly over the territory during the wars in Afghanistan and Iraq. However, Russia perceives these states as its near abroad and believes that they should be under Russian influence. China has interests here because of the oil resources and the Chinese have begun to settle around the borders and conduct trade. अच्छा, मेरे समझाए बिना कोई बताएगा इसने मुस्कान ने क्या पढ़ा? Raise your hands. में काफी कुछ है, काफी नई चीजें हैं आपके लिए. खूब सारी टेंशन मिलने वाली है आपको. आपको नहीं मिलने वाली है, हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं. आप टेंशन कभी मत लेना, नेवर. बोर्ड क्लास है, आप कूल होके पढ़ना. चलो मैं बताती हूँ, एक एक लाइन आपको क्लियर कर रही हूँ मैम. सबसे पहली बात पढ़ी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज. अब यहाँ पर लिखा ना, जहां पर इस लाइन में लिखो आप रिच एरियाज, ये बहुत अमीर एरियाज थे. रिच एरियाज, ये इतने रिच कंट्रीज थे कि यहाँ पर किसी चीज की, जिनके पास रॉ मटेरियल बहुत होता है ना, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, तो दोज कंट्रीज आर रिच. तो यहाँ पर अपने हाथ से लिखो, रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, रिच कंट्रीज. वन मार्क आंसर, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट, और वो अमीर थे. Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies. इनके पास issue था क्योंकि oil companies को लेकर इनका झगड़ा चल रहा था. The region is next to Russia, China, Afghanistan and Pakistan and close to West Asia. इसके साथ वाले neighboring countries ही होंगे, इसके साथ वाले neighboring countries ही होंगे. After 11 September 2001, the US wanted military bases in the region and paid the government to of all Central Asian states to hire bases and allow as airplane to fly over their territory during the wars of Afghanistan and Iraq. इसी बीच अमेरिका की फाइट लग गई अफगानिस्तान के साथ और इराक के साथ. अफगानिस्तान तो वैसे ही पावरफुल कंट्री है, और सॉरी अमेरिका तो वैसे ही पावरफुल कंट्री है क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड अभी अभी बन के हटा है. पूरा दुनिया में डोमिनेंस था अमेरिका का. इसकी वॉर लग गई अफगानिस्तान से और इराक के साथ. अब इसके एरोप्लेन निकलने थे, अब इसको परमिशन चाहिए थी उस कंट्री की कि हमारे एरोप्लेन्स को रोका ना जाए, तो इसको ब्लैकमेल किया गया इस चक्कर में. अच्छा, हाउएवर रशिया परसीव्ड दीस स्टेट्स एज द नियर अब्रॉड, क्योंकि उनके बाहर वाले पास वाले कंट्री ये लगते थे, एंड बिलीव्स दैट दे शुड बी अंडर रशियन रेवेन्यू, रशियन इन्फ्लुएंस. उधर से चाइना आ गया. चाइना हैज इंटरेस्ट हेयर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज. अब क्योंकि चाइना को इसमें इंटरेस्ट था क्योंकि उसको ऑयल लेना था. मतलब आप ये देखो, हम पढ़ते आए हैं छोटे छोटे होते पढ़ते आए सेवंथ एट से, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन कांट लिव अलोन, है ना. हमें शॉपकीपर की भी जरूरत पड़ती है, हमें टेलर की भी जरूरत पड़ती है, हमें मिस्त्री की जरूरत भी पड़ती है ना, हमें कारपेंटर की जरूरत भी पड़ती है. सारे काम मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, किसी को टीचर की भी जरूरत पड़ती है, तो मैन इज अ सोशल एनिमल. इन द सेम सेंस ईच एंड एवरी कंट्री नीड हेल्प ऑफ द अदर कंट्रीज. आपने फर्स्ट कोल्ड वॉर चैप्टर में पढ़ा था
why big powerful countries need the help of smaller countries. अब small country को तो help की जरूरत होती है ना बड़े लोगों से. Now, अब China को help की जरूरत थी, उसको oil resources चाहिए थी, उसके पास oil resources नहीं थी. And the Chinese have begun to settle down borders and conduct trade. और उनको trade करना था. China की तो आज भी policy वही है, open door policy. तो यहाँ पर हमने देखा कि हर कंट्री को किसी दूसरे कंट्री की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि हर कंट्री में हालात बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वाले थे और टेंशन वाले थे. चलो जी, यूरोप भी पढ़ ले, हम यूरोप के पीछे रह जाए. ईस्ट यूरोप में मुस्कान क्या हुआ? In Eastern Europe, Kazakhs, Slovakia split peacefully into two with the Kazakhs and Slovaks forming independent countries. चलो, wait. अब चेकोस्लोवाकिया टूट गया. चेको स्लोवाकिया दो कंट्री बन गए. बात समझ आ गई? चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री था, लेकिन चेक्स अलग हो गए, स्लोवाक अलग हो गए, तो दो कंट्रीज बन गए. हाँ जी मुस्कान, फिर क्या हुआ? But the most severe conflict took place in the Balkan republics of Yugoslavia. कुछ याद आया बाल्कन सुन के? किसी को कुछ याद आया बाल्कन सुन के? रेज योर हैंड जिसको कुछ याद आया. 10th का मेरा पढ़ाया हुआ. वन हैंड. सिर्फ ये देखना है कि मेरा पढ़ाया हुआ किस किस को याद आया. सुखमन को याद आया. टू हैंड्स जशन, बाल्कन इशू मैंने पढ़ाया था 10th में. रोमन मैंने बाल्कन इशू पढ़ाया था. अरमान, बाल्कन इशू पढ़ाया है आपने, वो कौन सा इशू था? मुस्कान अनम्यूट करना जरा, मुस्कान से पूछें. हाँ मुस्कान. मैम बाल्कन एक कंट्री था छोटा सा, तो बहुत मतलब वॉर ही लग गई थी, कितनी ज्यादा ही कंट्रीज थी जो उसे चाहती थी. बहुत ही ग्रीक भी चाहता था, यूगोस्लेविया भी चाहता था, तो फिर ऐसे वॉर लग गई और बाल्कन आई थिंक सो बाद में टूट गया था छोटी छोटी कंट्रीज में. थोड़ा ठीक है सुखमन, तू बता, तूने पढ़ा बाल्कन इशू? अनम्यूट कर रही हूँ सुखमन. रोमन बाल्कन इशू आपने भी करा हुआ था? बाल्कन इशू कर चुके हो आप? सुखमन अनम्यूट कर बेटा, कैमरा ऑन कर. चलो मैम कोई बताना पड़ेगा. बाल्कन एक ऐसा एरिया था. हाँ बोलो तो. वो भी ना डाइवर्सिटी बहुत, अलग अलग कल्चर के लोग थे, तो इसलिए भी वो कैप्चर करना चाहते. हाँ एक्चुअली बाल्कन वाज द एरिया ऑफ सो मेनी स्टेट्स, ठीक है, लाइक बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हर्जेगोविना, बॉस्निया, क्रोएशिया, सो मेनी एरियाज वर इंक्लूडेड इन बाल्कन एरिया. But the thing was that which Muskan has told us, disclosed us, that all the states were fighting with each other. They were jealous with each other. और वही बात हुई, जब हम आपस में झगड़ा सॉल्व नहीं ना करते तो तीसरी पावर इंटरफेयर करती है. बाल्कन का इशू सॉल्व नहीं हुआ, देन रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, अमेरिका, इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया. और जब इंटरफेयर किया तो झगड़ा सुलझाया नहीं इनको, इनका झगड़ा और बढ़ गया. नाउ ऑल दीज फोर कंट्रीज वॉन्ट बाल्कन. अब ये चारों कंट्री आपस में लड़ने लग गए कि बाल्कन हमें मिल जाए. इश्यू सॉल्व ही नहीं हुआ एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड, और फिर वर्ल्ड वॉर तक. चलो मुस्कान कंटिन्यू बेटा. आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड बॉस्निया एंड हाँ जी. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर 1991, जब इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस. क्रोएशिया अलग हो गया, स्लोवेनिया अलग हो गया, चेक्स अलग हो गए, बॉस्निया हर्जेगोविना अलग हो गया, एंड दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस. अपने आप ही अपनी इंडिपेंडेंस इन्होंने डिक्लेयर कर दी. देन एथनिक सर्ब्स, मुस्कान. Ethnic Serbs opposed this and a massacre of non-Serb Bosnians followed. The NATO intervention and the bombing of Yugoslavia
followed the inter-ethnic civil war. चलो, यूगोस्लाविया ने भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, नाटो ने भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. नाटो कौन है? नाटो का हेड कौन है? जैसे नाटो का हेड कौन है? अमेरिका. हाँ, और अमेरिका से तो है कि वैसे ही सारे डरते थे, तो अमेरिका ने भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और अंदर ही अंदर पूरे के पूरे देशों में वर्ल्ड सिविल वॉर लग गई. देश के अंदर होती तो वो सिविल वॉर होती, देश के बाहर होती तो वो वर्ल्ड वॉर होती है. हाँ जी, देन इंडियन ये नहीं पढ़ेगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, ये छोड़ो ना. ओपन योर कॉपीज, जितना पढ़ा है एक बार नोट्स ले लो, ये तो सब भूल जाओगे. हाँ जी, ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट. चैप्टर बाइपोलैरिटी ही हमारा चल रहा है. अच्छा, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, बट वी हैव डन ऑन कॉपी. उसका उससे पहले हमने कॉपी पे लिखा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी फर्स्ट पॉइंट, टेल मी. सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज वर टू बी शिफ्टेड, कम्युनिज्म वाज फिनिश्ड. सेकंड पॉइंट, नाउ प्राइवेटाइजेशन हैज कम, मींस एसेट प्रॉपर्टी लैंड वाज नाउ इन प्राइवेट लैंड प्राइवेट हैंड्स. थर्ड, थर्ड मैम लिखवाया आपने, आपने कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में एक डिफरेंस करवाया था ड्रॉइंग बनाकर. मैंने कुछ पूछा भी था आपसे जब मैंने आपको ये कहा था कि थोड़ा आज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग गई हूँ, इकोनॉमिक्स की काफी टर्म करी थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म करा था. एक चीज मैंने पूछी थी आपसे, किसी को याद है? प्राइवेट सेक्टर होता ना, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता. मैंने एक चीज पूछी थी आपसे, देखो तो याद आता है आपको. कम्युनिज्म में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, कैपिटलिज्म में इनकॉर्पोरेट है, इनकॉर्पोरेट सेक्टर. मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर पूछा था आपसे, वो क्या होता है? फिर उसके बाद चलते हैं आगे. शुक्र है याद आ गया. खुद से जो मैंने पूछना होता है ना, खुद कभी नहीं याद करवाते हो. कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट पीपल प्राइवेट कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं. तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? बेटा बोथ, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दोनों जब मिलजुल के काम करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट का पैसा दोनों का लगता है, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है. ठीक है, नाउ पहले वो वाला कंटिन्यू करें, फिर आज वाला रशिया वाला बाद में करते हैं, टेंशन वाला बाद में करते हैं. नाउ स्टार्ट राइटिंग. Government sector means government will be responsible. ठीक है, honor होगी government. Private sector honor private people. मतलब privatization हो जाता है, कुछ लोग अमीर होते हैं, वही काम करवाते हैं, वो उनका ही पैसा लगता है. And all the profit will go in their pockets only. ठीक है, अच्छा. एक होता है corporate sector. अब इसमें कौन से लोग होते हैं? Both. Both कौन? Government and private people. Government and private owner. So here government sector, private sector, corporate sector. Right? ये हमने यहाँ पर छोड़ा था. अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, collective farm बने, है ना?
Now earlier it was like ऐसा था कि collective farm होता था. अब कलेक्टिव फार्म जो था वो कम्युनिज्म में था एंड पीपल डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन आफ्टर कल्टीवेशन बट नाउ देयर विल बी प्राइवेट सेक्टर मींस प्राइवेटाइजेशन. अब प्राइवेट फार्म होंगे अब सारा का सारा पैसा एक ही बंदे की जेब में जाएगा. एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म आ गया था. एक लाइन लिखो जैसे लिखना पड़ेगा बेटा. कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर External orientation. Next point we go. External orientation. Next point bana lo. Next will be fourth point. Mustan. Next will be fourth point. मैम थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट चलो थर्ड नहीं फोर्थ हो जाएगा. ये वाला फोर्थ हो ये वाला थर्ड हो गया. ओके मैम. कलेक्टिव फार्म और ये वाला थर्ड हो गया. कैपिटलिज्म वाला कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर एक्सप्लेनेशन इसकी ये जाएगी. नाउ देयर विल बी फोर्थ पॉइंट एक्सटर्नल रिलेशन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन. अब इसमें क्या था एक्सटर्नल ओरिएंटेशन. नाउ अदर कंट्रीज रिलेशन बिकेम डिफरेंट. Relations of the other countries became different. What different over here? Now they want free trade. फ्री ट्रेड को जरा बॉक्स में रखो. नाउ दे वांट फ्री ट्रेड. एक लाइन को नो फ्री ट्रेड वॉज एट द टाइम ऑफ नो फ्री ट्रेड वॉज एट द टाइम ऑफ SU सोवियत यूनियन कब जब रशिया रूल करता था.
नेक्स्ट नाउ टू इंजन वर देयर ये कौन से थे फ्री ट्रेड रिजीम एंड एफबीएल फ्री ट्रेड रिजीम एंड एफबीएल लिखू मैं यहां पर और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट Now these two engines want to bring the change. Which changes? अब ये कौन सा चेंज लाना चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच चेंजेस दे वांट टू ब्रिंग Foreign investment, financial opening, financial opening up. Currency convertibility. Currency convertibility. Currency convertibility. Done, beta. Please note down. Roman, beta, camera on. Done, beta. Now show me your copies where you have written. Camera, mein copy dikhao apni. Okay, Roman. Tanmi. मुस्कान ईशा जशन सुखमन कॉपी दिखा ओके चलो थैंक यू वेरी मच मैं भी दिखाऊं अपनी नोटबुक मैं भी ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ आपकी तरह मैं भी दिखाती हूँ देखो मैं भी ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ आपकी तरह देखो ऐसे ही रशिया पढ़ाया मैंने आपको है ना फिर मैंने एग्रीकल्चर वाला पढ़ाया ये CAS पढ़ाया आपको मैंने फिर मैंने आपको एग्रीकल्चर पढ़ाया
आज मैंने आपको ये देखो ऐसे मैंने भी नोट्स बनाती हूँ, ये मल्टीपोलर वर्ड पढ़ाया मैंने आपको, देन ये ट्रेड अलायंस, जैसे आप बनाते हो ना नोट ऐसे मैं भी बना देती हूँ आपके लिए, है ना? चलो ठीक है, ओके बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।